एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित नजर आते हैं, वहीं दूसरी तरफ करैया मंडी में किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। शुक्रवार को जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर के अधिकारियों की बैठक ली और किसानों की समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें दूर करने के निर्देश भी दिए, वहीं दूसरी तरफ रीवा जिले के अधिकारियों पर इसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा और उनकी अनदेखी के चलते करहिया मंडी में किसान परेशान हो रहे हैं। मंडी में किसान गेहूं तौल के लिए एक सप्ताह से ट्रैक्टर ट्राली लेकर खड़े हैं, लेकिन उनके गेहूं का तौल नहीं हो पा रहा है। इस तेज गर्मी में गेहूं तौल के लिए किसान परेशान हैं और जिन किसानों का तौल हो गया है उन किसानों के खाते में समर्थन मूल्य नहीं पहुंचा। किसानों को अपनी बेटी का विवाह करना और जरूरत पड़ने पर पैसे नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा मंडी में किसानों को कई और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर किसानों को पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद भी इस ओर प्रशासनिक अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कल शाम को आए तौल लगा, कल परिवहन नहीं उठा, जगह आज मिली जाए तौल लग गई। ट्रैक खाली ना होने की वजह से हाँ तो हो गया कि आज माल नहीं उठ पा रहा। अब ये माल है सिल जाए समस्या के उठ जाए, ये है कि माल नहीं उठ पा रहा। हाँ आप बताइए। ग्राम खैरा हम आज आए सुबह 6-7 बजे। क्या दिक्कतें हो रही है? दिक्कत जगह नहीं है, माल तौला रखा है स्टॉक। हाँ सब अच्छा खड़े बोल रहे हैं कि माल नहीं उठ रहा है, नहीं उठा रहे। बस यह पर बात यह है ना कि बाकी माल उठ जाए तौल तो लगी नहीं, परसों का माला तौला रहता। अब कल वाले खड़े हैं, आज वाले खड़े हैं, जगह रही तो आज तौल रहे, जी जगह ना रही तो ना तौल रही, पड़े रहा मन ही क्या करें। मैं सरकार की वजह क्या है? वजह माल नहीं उठ रहा है।